हर महादेव। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हमारे मनदीप पासवान जी हैं, इन्होंने अपना गोत्र ग्रेवा और वर्ण शूद्र लिखा हुआ है। आचार्य जी प्रणाम करके फिर ये प्रश्न कह रहे हैं कि आजकल हम कई वीडियोस को देखते हैं तो जिसमें शूद्रों को अशुद्ध अपवित्र की संज्ञा दे करके शोषण किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या शूद्र अपवित्र है, क्या छुआछूत शास्त्री है या नहीं, और यदि है तो किस मर्यादा तक है। देखिए, हमारे यहाँ छुआछूत जैसे शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में नहीं है, है ना। स्पर्श विवेक, स्पर्श विचार, ये शास्त्रों में है। माने किसे छुए और किसे नहीं छुए, ये सब शास्त्र में है। और ये बात हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो माने हिंदू धर्म में जो स्पृश्यता है या अस्पृश्यता है वो धर्म मूलक है, घृणा मूलक नहीं है। घृणा से उसे छूना नहीं है, ऐसा नहीं है, वो धर्म मूलक है। इस पर विचार करें, ऐसा नहीं है कि भाई अमुक जाति को, अमुक वर्ण को, चांडाल आदि को स्पर्श करना ही शास्त्रों में मना बतलाया गया है। देखिए, जिन परिवारों को आशौच लगा हुआ है ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को भी नहीं छूना है। जो परिवार आदरणीय है, जिनका हम अभी अभिवादन करते थे लेकिन उनको कोई आशौच लग गया है, जनना शौच या मरना शौच हो गया है, तो अब उनको हम नहीं छुएंगे। किसी के परिवार में कोई मृत हो गया है तो उसे छूना मना है शास्त्रों में। तो ऐसा नहीं है कि अब हम उनसे घृणा करते, घृणा मूलक नहीं है ये स्पर्श या स्पर्श स्पर्श विचार। कोई किसी की माता बहन है और उनको प्रणम्या है, वो प्रणाम करते हैं, लेकिन वो यदि ऋतुमती हो गई तो अब वो अस्पृश्या है, अब उसको छूना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे घृणा करते हैं। और तो और देखिए, और सूक्ष्म जाइए, हमारे शरीर में ही कुछ ऐसे गुप्तांग हैं जिनको छूना मना बतलाया गया है। छूने के बाद फिर शौचता करनी पड़ती है, स्वच्छता करनी पड़ती है, पवित्रता करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन अंगों से घृणा कर रहे हैं, उनके बिना क्या काम चलेगा। किसी का मलमूत्र बंद हो जाए तो फिर देखिए कितनी परेशानी होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो घृणा मूलक है, ये सब धर्म मूलक ही है। इसी तरीके से और तो और देखिए, अभी अभी किसी को ये जो रोग चला था कोरोना इत्यादि का, अगर किसी को हो जाए, वो पिताजी थे, छू लो उनको, बड़ा लाडला दुड़ा दुड़ाला तुम्हारा पुत्र था उसको पकड़ लीजिएगा, बड़ा मित्र था उसको, उससे दुलार करिए। कहाँ करते हैं लोग, दूर रहते हैं ना। हॉस्पिटल में आप जाइए, अरे इसे हाथ लगा दिया, आधा ये धोएंगे। किसी भी डॉक्टर से आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, वो आपको लगाएगा तो बड़े हिसाब से लगाएगा। तो हर वस्तु को कब किसको किस प्रकार छूना है और किसको नहीं छूना है, ये एक बहुत बड़ा विवेक है, इसमें घृणा नहीं है। और जो लोग घृणा करते हैं तो वे धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं। तो हमारे यहां जो भी जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का जो स्पर्श विचार निषेध विधि जो भी है वो सब धर्म मूलक है। आजकल का धर्म कैसा है पता है? आजकल कौन बोले हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू धर्म है, पर धर्म नहीं मानेंगे, बिना धर्म के हिंदू है हम। उनसे कह दीजिएगा ये स्पर्श इसको हम नहीं मानेंगे, ये नहीं हम मानते हैं, ये वर्ण जो है जन्मना होता है हम इसको नहीं मानेंगे, आपका वही ये अधिकार है ये अनधिकार है ये बातें हम नहीं मानेंगे, कि हम किसको जो है छुए किसको नहीं छुए, शिवलिंग को शालग्राम का स्पर्श करें या न करें ये हम नहीं मानेंगे, कौन किससे बड़ा है, कौन किसका प्रणम्य है, कौन नहीं है, ये हम नहीं मानेंगे। हम चाहे जो कुछ करें चाहे न करें,
हम विधि निषेध का पालन करें या न करें, हम हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। क्या कौन सा धर्म है आपका? किसी भी शास्त्र की बात माननी नहीं, तो कोरे हिंदू हैं वो। तो ऐसा हिंदू से तो और जाति वाले और लोग ही मुस्लिम श्रेष्ठ है, धर्म सम्राट का वचन है ना। बेदीन, बेईमान, बेधर्मी हिंदू से दीनदार, ईमानदार मुसलमान लाख गुना श्रेष्ठ है, ये धर्म सम्राट के वचन है। तुम काहे के हिंदू हो, कौन हो? किसी से घृणा करते हो और धर्म का पालन करते नहीं, सबके लिए ये वचन है। जाति का विमान ये सब पतन का हेतु है, चाहे कौन सी भी जाति हो। तो जन्म से जाति को मानना और वर्ण धर्म का पालन करना, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म है, यही वैदिक धर्म है, यही वर्णाश्रम मय वैदिक हिंदू धर्म है, और इसी से कल्याण होना है। तो जो अपना कल्याण करना चाहते हैं वे इसमें घृणा को न देख करके धर्म मूल को देखते हुए और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, उनका कल्याण होगा। अन्यथा फिर ये बकवास करते रहिए और नाम लेते रहिए खोखले हिंदू धर्म से, वो यहां और मरने के बाद परलोक में भी आपका हानि ही करने वाला है, उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सावधान। हर हर महादेव।